अल्प आयु में ही एक ऐसा तेजस्वी मानस अपने सभी के दिमाग में आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज भी एक ऐसे ही प्रेरणादायक इस विद्यालय में पधारे हैं, श्रीमान डॉक्टर राकेश इंदौरिया। माँ शारदे को नमन। सम्मानित मंच, सम्मानीय शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, जब बेटे की तरह बेटी भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है तो फिर पक्षपात क्यों किया जाता है? क्यों एक अच्छी बेटी एक अच्छी बहू नहीं बन पाती? क्यों एक बच्ची अपने इस घर से उस घर में संस्कार नहीं ले जा पाती? क्यों आए दिन जो घटनाएं घटती हैं, दामिनी और निर्भया जैसे मामले जब हमारे सामने आते हैं, क्यों हमें उस निर्मम हत्या जैसे मामलों को लेकर कैंडल मार्च करना पड़ता है? मुझे खुशी इस बात की है कि सन 2000 में पनियाला मोड़ पर मैंने इंदौरिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का पहला झंडारोहण किया था 15 अगस्त का। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उसी पनियाला मोड़ पर 2018 में आज मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। आपका भाई बेटे की तरह बेटी भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, फिर क्या वजह है कि जब बेटा घर में पैदा होता है तो घर का कोई भी व्यक्ति 5 मंजिल की छत पर जाकर थाली बजाकर पूरे रात गांव को जगा देता है कि मेरे घर में कुल दीपक पैदा हुआ है, घर का चिराग पैदा हुआ है, हमारे गांव राष्ट्र और परिवार का भविष्य पैदा हुआ है। पर क्या वजह है जब घर में बेटी पैदा होती है तो पूरे घर में एक गमगीन माहौल पैदा हो जाता है? कौन सी बेटी ने पैदा होते ही अपने पिता से दहेज की मांग की? ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। डॉक्टर पेरेंट्स रिलेशनशिप के ऊपर कार्यक्रम का नाम है। डॉक्टर बोले तो बेटी और पेरेंट्स बोले तो माँ बाप। सबको पता है ये मेरी बेटी है, ये मेरे माँ बाप है। फिर खास बात क्या करने आया हूँ मैं यहाँ? मैं केवल उन पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, पिता बन के भी बोलूंगा, शिक्षक बन के भी बोलूंगा, एक बहन है तो बहन का भाई बन के भी बोलूंगा। ऐसा नहीं है मैं केवल आप ही के बारे में कुछ कहूंगा, मैं अपने ऊपर भी तीर चलाऊंगा। और अपने से मतलब ये है कि यदि आज का अभिभावक इस बात को नहीं समझेगा तो शिक्षक उसे समझा भी नहीं पाएगा। ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे घर से पक्षपात शुरू होता है। और एक और ऐश की बात मैं आपको बता दूं कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी एक बेटी को ही होती है, वो चाहे माँ हो, चाहे दादी हो, चाहे भुआ हो, चाहे ताई हो, चाहे चाची हो। आपने नोट किया होगा, आपके पापा और आपके चाचा और आपके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैदा होने वाला बेटा है या बेटी है। देखा जाता है कि बेटा शाम को 9 से 12 तक पिक्चर भी देखकर आ सकता है, और बेटी को यदि शाम को स्कूल में ट्यूशन क्लास के लिए भी बुलाया जाता है या वो नोट्स एक्सचेंज करने के लिए भी जाना चाहती है तो उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती। माँ बाप क्यों रोकते हैं? क्यों वो एक बेटे पर विश्वास करते हैं और एक बेटी पर अविश्वास करते हैं? क्या उन्हें अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं है? क्या उन्होंने उनको बराबर संस्कार नहीं दिए? यदि ऐसा नहीं है तो गलती माँ बाप की है, ना कि बच्चों की। और ये किसने कहा कि गलतियां बेटियां करती हैं बेटे नहीं करते? बेटे भी बहुत शरारती होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। लेकिन निष्पक्षता के दौर की यदि मैं बात करूं तो जब पहली पिक्चर में आने का क्रम भगवान ने सबको एक साथ दिया है दुनिया में आने का, मुट्ठी बांध कर आने का मतलब यह है कि उसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है। हम स्वयं उसके बारे में पहले से कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि ये क्या बनेगा या क्या बनेगी। माँ बाप यदि बच्चों के सामने झगड़ रहे हैं, यदि उन्होंने प्रॉपर्टी का विवाद देखा है, भाई को भाई से लड़ते देखा है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्यों एक अच्छी बेटी एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन पाती, मतलब साफ है। यदि माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छा माहौल दिया, उनके सामने झगड़ा नहीं किया, अपने हित के लिए नहीं सामने वाले के हित के लिए थोड़ा सा त्याग किया, तो उस बच्ची में वो संस्कार पल रहे हैं और वो बूढ़ी बहू बन करके भी उस घर की बेटी का दर्जा प्राप्त कर लेती है जो बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है।